Jai Gurudev. Good afternoon. So, आज का ये जो help talk है, आज मेरा ये second है यहाँ पे, second edition. So today we are going to discuss, yes, speak about Ayurveda in from the perspective of Nad Yog, from the perspective of sound therapy. Ayurved में बहुत सारे different perspectives है या modalities है जिसके कारण हम हमारे जो दोष है इसको balance कर सकते हैं. दोष meaning these are the biodynamic energetic forces in our body which we will discuss, we will give a touch upon it. और इसको कैसे हम sound के माध्यम से balance में ला पाएंगे, because sound एक medium है जो space तत्व को या जो आकाश तत्व है इसको represent करता है, because vibrations. अभी जो नया modern science है, quantum physics है, जो energy के domain पे काम करता है, वो बोलता है कि हम सिर्फ vibrations ही है, हम एक नाद है, हमारा DNA अभी vibrate कर रहा है, हमारे जो planets है, even the building right now we are in, so ये सब vibrate हो रहे हैं. अगर ये जो vibrations हो रहे हैं उस पे हमारा अनुभव नहीं है, तो अनुभव कैसे आता है? With our yogic philosophies. मगर फिर कौन सा योग है ना इसमें? बहुत सारे आज के डेट में योग करते जा रहे हैं लोग, मगर अनुभव तो अभी भी नहीं आ रहा है जो आना चाहिए. The spiritual realization I'm talking about, तो वो नहीं आ रहा है. बहुत सारे लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर जिस माध्यम से वो अबंडेंस की जो स्टेट है इसमें कुछ माइंड का लेना देना नहीं रहता है. जो अबंडेंस है, प्यार है, कंपैशन है, जो आयुर्वेद में चार पिलर्स कहा है, विच इज़ दी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार फंडामेंटल पिलर्स है लाइफ में, ये तो एक किसी का पिलर ज़्यादा होता है, एक पिलर कम होता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट होली, मीन्स वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है उनका. उनमें कहाँ पे तो गड़बड़ी है वाइब्रेशंस की. तो ये गड़बड़ी कहाँ से आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि कहाँ से हम सीखते हैं, द सोर्स, दैट इज़ द मेन. जैसे कि अगर आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर में कितना भी एडिटिंग करो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल द हार्डवेयर, मतलब जहाँ पे सोर्स उसका कैप्चर किया है. तो अगर एसेंस ही हमने कैप्चर नहीं किया, फंडामेंटल से कैप्चर नहीं किए, तो आगे जाके फिर गड़बड़ी ही होती है. मीन्स वी डू नॉट रियलाइज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इट. जो बड़ा पर्सपेक्टिव है आयुर्वेदा का, योगा का, वो हम फिर चुप जाते हैं. यहाँ पे योगा प्रैक्टिशनर्स कौन कौन है? ओके, एंड व्हाट अबाउट यू मैम? Correct. So what I am talking about yoga is completely different. It's not about with the asana. Asana to hai. Magar yoga, which is the union, which is the oneness, which comes from a specific guru shishya parampara. So agar wo aap chhu pao, to fir aapko automatically download hota hai. Jo aapke liye necessary hai. Yatha pinde tatha brahmande. तथा ब्रह्मांड है यथा पिंड है, मीनिंग व्हाट? जो हमारे पिंड में है वही हमारे ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में अभी चालू है वही हमारे पिंड में है. अगर ये हम रियलाइज कर पाए थ्रू अ सर्टन काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन, टू अ सर्टन काइंड ऑफ अ नाद, तो ये बहुत आसान हो जाता है. फिर आयुर्वेद है बहुत आसान है. फिर इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू प्रैक्टिस, अगेन क्वान्टिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स. तो जैसे ही हम ये रियलाइजेशन में आते हैं थ्रू अ योग, देन द आयुर्वेदा इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर, एंड दे आर लाइक द सेम, लाइक द अदर साइड्स ऑफ द सेम कॉइन.
आयुर्वेद है तो उसके साथ योग तो है ही है, अगर योग है तो उसके साथ आयुर्वेदा है ही है। और जैसे हम योग कहते हैं तो इट्स अ बाय डिफॉल्ट कंडीशन, तो उसमें नाद है, बिकॉज नाद योग इज द लास्ट पार्ट ऑफ योग शुक उपनिषद, इज द लास्ट पार्ट ऑफ हठ योग। और जो अष्टांग योग है उसका जो आखिरी पार्ट है समाधि के लिए, जो हम समाधि में एंटर करते हैं, इट इज़ विद द वाइब्रेशंस। तो हमें अगर आयुर्वेद अंडरस्टैंड करना है, एक्सपीरियंस है, तो योग चाहिए। अगर हमें योग चाहिए तो आयुर्वेद भी चाहिए चाहिए, बिकॉज व्हाट आयुर्वेद डज इट्स, इट प्रोवाइड्स द होलिस्टिक सॉल्यूशंस फॉर द एंटायर बॉडी एंड द माइंड। और आगे जाके जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हैं हमारे योगियों ने और ऋषियों ने, सो व्हाट दे हैव डन, जैसे कि हर महीने हमें फास्टिंग करने बोलते हैं एकादशी के टाइम पे, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा अगेन, कि हमें जैसे हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी का हीलिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने को, यह सबको पता ही है, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। तो वो अगर हमें अंडरस्टैंड हो जाए द एसेंस, फॉर एन एग्जाम्पल जो अमावस्या के दिन होते हैं तो उस टाइम बोलते हैं कि अब डिसीजन मत लो या फिर जो भी अच्छा काम है वो मत करो, मगर क्यों? इफ यू देन अंडरस्टैंड द रियल एसेंस ऑफ द योग या जो दोष है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जैसे ही जो मून के साइकिल्स है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं वाटर कंटेंट को, है कि नहीं? अगर इतने बड़े वाटर कंटेंट को वो कंट्रोल कर पा रहे, तो व्हाट अबाउट द वाटर कंटेंट इन द बॉडी? ऑफ कोर्स इट हैज अ इम्पैक्ट। अगर हम इम्पैक्ट को जांच क्यों नहीं पा रहे हैं या फिर सेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट इन रेजोनेंस विद इट, हम उसके रेजोनेंस में नहीं है, हम उसके साथ अनुनाद नहीं कर रहे हैं। मीनिंग वॉट? हम उसको देख नहीं पा रहे, उस जो दृष्टि हमें चाहिए उसके लिए वो नहीं है। तो दृष्टि कैसे आती है? व्हेन यू एक्चुअली प्रैक्टिस आयुर्वेद, व्हेन यू एक्सपीरियंस इट, सिर्फ जानने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपको पंचकर्मा किया तो ही आपको लाइफ में आपको अनुभव आता है। पंचकर्मा इज अ काइंड ऑफ द मोस्ट, यू कैन से द मोस्ट क्लेंजिंग ट्रीटमेंट विच द आयुर्वेद हैज गिफ्टेड टू अस। तो जैसे वाटर कंटेंट कम और ज्यादा हो रहा है, तो हमारे बॉडी में भी उसका जो कफ दोष है, जो पानी के साथ या जल के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी कम ज़्यादा होता है। और जैसे ही कम ज़्यादा होता है तो हमारे जीवन में वात दोष बढ़ता है, वात पित्त कफ, तो वात बढ़ता है। इसलिए जैसे आपके जीवन में वात बढ़ता है तो आपके जीवन में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बहुत सारा ओवर थिंकिंग, फिर आगे जाके रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, यही आते हैं। एंड दैट इज़ वाई पीपल हैव बीन सेइंग कि अमावस्या के टाइम पे या जो भी वो पीरियड है उस टाइम पे आप ट्रैवल मत करो, उस टाइम पे आप अच्छे डिसीजंस मत लो, बिकॉज वाई? थ्रू द एनर्जेटिक और द एनर्जेटिक कंडीशन ऑफ द एंटायर सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस, रेस्टलेस बिहेवियर पे। मगर पीपल थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ जो हम बोलते हैं ना ब्लाइंड फेथ या ब्लाइंड बिलीव्स, ऐसे बहुत मासेस कंसिडर कर रहे हैं इसको, मगर ऐसा नहीं है। मगर जैसे आप इसको समझ ले, आपको ये अंडरस्टैंड कर ले, सो देन यू विल नॉट थिंक अबाउट कि आज अमावस्या है, कि आज अच्छा दिन है, बुरा दिन है, कैसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। देन यू आर जस्ट देयर, यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग द वाइब्रेशंस, यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग द एंटायर स्क्रिप्चर्स। तो ये स्क्रिप्चर्स को रियलाइज करने का सबसे बेस्ट वे है कि नाद योग, मगर नाद योग की तरफ जाने के लिए हमें बेसिक क्लेंजिंग लगता है। तो क्लेंजिंग हमें प्रोवाइड करता है नन अदर देन दी आयुर्वेदा, बिकॉज आज के डेट में जो भी थेरेपीज करके जो फेमस है या प्रोपाउंड हो रहे हैं, तो दे आर ऑफ शूट्स ऑफ दी आयुर्वेदा, दे आर ऑफ शूट। जैसे कि होम थेरेपी, अगर आप जर्मनी में और यूके साइड पे जाओगे, सो पीपल आर पेइंग लैक्स ऑफ रुपीज, लैक्स ऑफ देयर जो भी करेंसी है, टू जस्ट प्रैक्टिस अ होम। जो हम घर पे यज्ञ जो प्रैक्टिस करते हैं, यज्ञ या अग्निहोत्र जो है, तो उस अग्निहोत्र मीन्स एट अ वेरी स्पेसिफिक टाइम, यज्ञ वी कैन, यज्ञ और जो हवन है वो हम स्पेसिफिक इंटेंशन के लिए हम कर सकते हैं। तो उसमें भी प्रोसीजर्स है कि कौन से हर्ब्स अगर हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो उससे हमारे
शरीर में जो कफ पित्त वात है वो कैसे बैलेंस होगा. एंड इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट थेरेपी फॉर द पीपल हु आर हु हैव बीन सफरिंग विद रेस्पिरेटरी इश्यूज, हु हैव बीन सफरिंग विद डाइजेस्टिव इश्यूज. तो वैसे सो आयुर्वेद में द फर्स्ट फंडामेंटल्स आर द पंचमहाभूता मीनिंग द फाइव एलिमेंट्स विच आर द आकाश. अगर हमने आकाश के वाइब्रेशंस को चेंज किए मीन्स अल्टर किए तो आकाश से आता है वायु मीनिंग द एयर. अगर एयर के वाइब्रेशंस को हमने चेंज किए तो आता है अग्नि मीनिंग द फायर द तेज. अगर उसके हमने वाइब्रेशंस चेंज किए तो आता है जल पानी वाटर. और इनको हमने चेंज किए जिसको वाइब्रेशंस के चेंज किए तो आता है पृथ्वी द अर्थ. हर एक एलिमेंट्स के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमने स्टार्ट की यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है. हमारे अंदर जो स्पेस है वही बाहर स्पेस के एलिमेंट में है. एलिमेंट मतलब कैसे उसके तत्व है उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है. अगर हम यहाँ पे आपने बोला कि दिखाओ फायर कैसे दिखाओ फायर कैसे देखो वाटर कैसे वैसे नहीं. इट्स विद द तत्व ज्ञान मीनिंग द प्रॉपर्टीज और द एसेंस. जैसे कि यहाँ पे हमने अभी एसी की हवा चालू है तो इट इज़ गिविंग अस द मूवमेंट इट इज़ गिविंग अस द कोल्ड एनवायरमेंट. तो ये प्रॉपर्टी है एयर की. इस वायु को ही योगिक टर्म्स में प्राण कहा गया है. प्राण अलग अलग इसके कैटेगरीज भी है. तो स्पेस मतलब कैसे एक एम्प्टीनेस एक नथिंगनेस. एयर इज द मोबिलिटी विच गिव्स अस द ट्रैक्शन और द एनर्जी टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. फिर आगे जाके है अग्नि. अग्नि मीनिंग व्हाट. कि अगर हमने यहाँ पे कैंप फायर स्टार्ट किया तो हाउ विल वी एक्सपीरियंस क्या होगा हमारे एक्सपीरियंस में. एक वॉर्म्थ आएगा एक तेज बढ़ेगा. तेज मतलब द लाइट. और क्या हो सकता है अग्नि में. द हीट द ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये अग्नि के प्रॉपर्टीज है. इसके बहुत सारे गुण हैं एक्चुअली. आगे जाके पानी. पानी मीनिंग व्हाट. इट्स अ फ्लो इट रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ अ फ्लो. फ्लो ऑफ व्हाट. फ्लो ऑफ द एनर्जीज फ्लो ऑफ द इमोशंस द फ्लो विच इज हैपनिंग इंटरनली. और क्लेंजिंग. वाटर इज द मोस्ट डिटॉक्सिफिकेशन जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं. तो पानी. और फिर आता है अर्थ और दी पृथ्वी विच इज दी स्टेबिलिटी और दी रूटेडनेस. और इनके कुछ हम ऋषि मुनि ने क्या किया इनको देखा प्रकृति में क्या हो रहा है इनके. तो इनके कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स बन रहे थे और वो स्पेसिफिक ग्रुप्स के अलग जाके प्रॉपर्टीज बन रहे थे. तो जो स्पेस है और एयर है इसको हमने मिलाया तो आता है वात दोष. हमने अग्नि और थोड़े मात्रा में पानी को एक साथ किया तो आता है पित्त दोष. और फिर जो जल है मीनिंग द वाटर एंड द अर्थ हमने इसको एक साथ किया तो आता है कफ दोष. फॉर एन एग्जांपल हमने कपड़े यहाँ पे धोए और कपड़े सुखाने को रखे तो कैसे सूखेंगे वो. एयर से विच इज़ गिविंग द मूवमेंट विच इज़ गिविंग द ड्राइनेस. तो अगर हमने ये देखा कि अगर एयर है वो बाहर ड्राइनेस दे रही है एलिमेंट्स को या जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको तो हमारे अंदर भी तो वो कर ही रही है द ड्राइनेस द मोबिलिटी. मोबिलिटी हमारे शरीर में किसकी है. द ब्लड सर्कुलेशन इज देयर द वे वी वॉक द वे वी जो अभी मैं जेस्चर्स कर रहा हूँ इवन दिस इज गवर्न्ड बाय द वात दोष. जैसे कि हमारे आँखों का ब्लिंकिंग the way we blink with our eyes the way we sneeze even that is a vat. फिर पित्त क्या है. ही वो ट्रांसफॉर्मेशन देता है हमारे जीवन में. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. पित्त मतलब हम कहाँ पे बॉडी में समझते हैं. डाइजेशन करेक्ट स्टमक में. तो वो क्या करता है जो भी हम खाते हैं जो पृथ्वी एलिमेंट है मतलब डोमिनेंट उसमें पृथ्वी एलिमेंट होता है तभी हम वो खाते हैं.
तो उसका ब्रेकडाउन या फिर केमिकल ब्रेकडाउन जो होता है हमारे शरीर में, जो इसको रस कहते हैं आयुर्वेद, और आयुर्वेद या फिर हमारी संस्कृत की एक मेजर खासियत है कि एक ही शब्द के लिए बहुत सारे उसके मीनिंग्स भी है, तो जितना ज़्यादा उसको मीनिंग से उतना ही ज़्यादा उसका ब्रॉडर स्कोप है इन दी योगा, इन दी आयुर्वेदा, इन दी तंत्र। तो वैसे तो रस, जो रस आगे जाके क्रिएट होते हैं पित्त के कारण, तो वो, और कफ मतलब क्या है, ग्रोथ, मतलब कैसे अगर हम बीच पे गए और पानी और सैंड को हमने मिक्स किया तो वो कैसे एक बॉल बन जाता है, सैंड का बॉल, या फिर घर पे तभी हम जो आटा है रोटी के लिए स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम थोड़ा कैसे पानी डालते हैं, वो ड्राई होता है, उसमें जैसे हम पानी डालते हैं तो इट बिकम्स अ बॉल, करेक्ट। तो ऐसे हमारे अंदर भी शरीर में हो रहा है, एंड दिस स्पेशलिटी इज, ये जो भी ऋषि मुनियों को रिवील हुआ है ये उन्होंने खुद से नहीं किया है, ये उनको आया है एज अ गिफ्ट, एज अ यूनिवर्सल गिफ्ट आया है ये। तो जैसे ही हम फिर बोलते हैं देखो मैं आयुर्वेद सिखा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो चैलेंज आ जाता है उसमें। और आज के डेट में वही हो रहा है, जो आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कंसिडर करके क्या कर रहे हैं कि मैं ही ये है, मेरे को ये मिला है, मैं देने वाला हूँ, पर ऐसा है ही नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आई एम जस्ट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम माई इंजीनियरिंग कॉलेज, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आयुर्वेद और साउंड थेरेपी का कुछ मिलन ही नहीं है, कहाँ पे कॉमन पॉइंट भी नहीं है, बट आई एम येट गेटिंग इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्पीक अबाउट आयुर्वेदा, टू टीच अबाउट द साउंड थेरेपी, और आगे जाके हम जो करते हैं फाउंडेशन में, BodhMarga फाउंडेशन में, तो ऐसे क्यों? एंड आई एम नॉट इवन एन एक्सपर्टीज इन इट, तो ऐसे क्यों? Because I am into the experience कि ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब हो रहा है। तो जैसे आप होने के डोमेन में आते हो, सो जैसे आप स्विच करते हो डूइंग से हैपनिंग में, तो आपके जीवन में जो आयुर्वेद है वो ऑटोमेटिकली आपको रिवील होता है, ये जो योग है, ये जो स्क्रिप्चर्स है वो ऑटोमेटिकली आपको रिवील होते हैं। तो वैसे ही होने लगा है मेरे जीवन में। और ये क्यों होता है? जैसे आप एक गुरु के सामिध्य में आते हो, एक गुरु के प्रेजेंस में आते हो, सो गुरु नीड नॉट बी अ फिजिकल पर्सन, बट यस फिजिकल पर्सन इज नीडेड। तो जैसे आप वो सामिध्य में आते हो तो आपके जीवन में वो आने लगता है। नहीं तो अगर आप सोचोगे लॉजिक से तो मुझे इनविटेशन तो मिलने ही नहीं चाहिए थे ना। जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर भी आई वॉज इन यूरोप टीचिंग आयुर्वेदा टू डॉक्टर्स देयर, नॉट इवन फॉर ऑर्डिनरी पीपल, टू डॉक्टर्स। ये कैसे हो रहा है? अगर आप लॉजिकली देखोगे, मैं तो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा हूँ तो एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो वो कैसे हो रहा है? अगर हम लॉजिकल या फिर कन्वेंशनल मेथड से जाए तो यही स्टेप अचीव करने के लिए मुझे 20 साल लगते हैं, एंड आई एम नॉट इवन फ्रॉम अ आयुर्वेदिक बैकग्राउंड, तो और साल लगते हैं टू प्रूव, टू शो, टू यू नो बी इन अ डेस्परेशन, है कि नहीं? तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इन अ फ्लो इट स्टार्ट्स टू हैपन, और आयुर्वेद यही कह रहा है कि आप फ्लो में आ जाओ। बिकॉज जो ऋषि मुनि थे, मेन तीन एक्चुअली टेक्स्ट है आयुर्वेद के, जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, ये जो तीन जो मेन अथॉरिटी टेक्स्ट है, और भी और 3-4 है, सब कैटेगरीज है इसमें, तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज के लिए हमें मदद कर रहे हैं। तो इन्होंने खुद कहा है कि ये मुझे रिवील हुआ है बिकॉज ऑफ द गुरुज। और इसकी स्पेशलिटी क्या है आयुर्वेद की या कोई भी हमारे टेक्स्ट की? दे आर ऑल पोएम्स। कैन यू इवन कंसिडर, कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? ये पोएम्स है, मीनिंग कि सर्जरी कैसे करना है बॉडी के साथ, या जो रिप्रोडक्शन साइकिल है, या जो गर्भ उपनिषद है, या फिर जो गर्भ संस्कार है जो आयुर्वेद में मेंशन किया है, तो वो सब पोएटिक जेस्चर्स में है। तो आप सोचिए 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 5,000 साल पहले लोग बोलते हैं, मगर वो डॉक्यूमेंट होना वो तभी से स्टार्ट हुआ, मगर सिंस एजेस इट इज़ कमिंग इन आर कल्चर, तो इतने सालों पहले विदाउट इवन बॉडी के साथ छेड़छाड़, विदाउट इवन कटिंग द बॉडी, दे कुड सी कि वॉट इज हैपनिंग। तो ये कैसे?
They could even, the trees, even the plants, they spoke with the Rishi Munis. ये कैसे? Because जैसे आप एक गुरु के साथ जुड़ जाते हो, ये आपके साथ होने लगता है. All these mystical and all these spiritual processes, they starts to get awakened in you. The moment you are in a specific guru shishya parampara. So ऐसे ही आयुर्वेद आया है. किसी ने इसको document करने की सोची नहीं है. किसी ना 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 इसको इंफॉर्मेशन या नॉलेज डोमेन से ये प्रोड्यूस हुआ है. ये आया है सिर्फ एक्सपीरियंस है, अनुभव से. और अगर हम इस अनुभव से जुड़ पाए सो ये आपको रिवील होने लगता है. तो रिवील किस फॉर्मेट में होता है? मुझे बहुत पहले डाउट आते थे कि मुझे कैसे रिवील आएंगे, मुझे कैसे ये श्लोक ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे. तो इट मे नॉट बी इन द श्लोक फॉर्म और द एक्चुअल फॉर्मेट, मगर आपके डे टू डे लाइफस्टाइल में आपके रिविलेशंस आ जाते हैं. मतलब कैसे आपकी बॉडी आपके साथ कम्युनिकेट करती है, आपका माइंड एक विटनेस की स्टेट में आ जाता है और माइंड के परे आगे जाके हमारे आत्मदर्शन होता है, आत्मबोध होता है, बोध का विकास होता है, हमारे प्रज्ञा का विकास होता है. अगर हम योग का देखेंगे, द मेन मोटिव और द मेन इंटेंशन चित्त वृत्ति निरोधारा, मतलब कैसे हमारे जो चित्त पे वृत्ति है, ऑल दिस वासनाज है, ये जो डिजायर्स है, ये जो संस्कार है, वो बहुत पुरखों से आ रहे हैं, वो संस्कार को मिटाने के लिए है योग. और योग में आने के लिए हमें लगता है कुछ क्लेंजिंग, तो वो क्लेंजिंग हमें देता है आयुर्वेद. इट प्रिपेयर्स यू फॉर द रियल योग. नहीं तो क्या होगा, अगर आप योग या मेडिटेशन करने बैठोगे, आप खुद तो कर नहीं पाते हैं, हम खुद करते नहीं है वो मेडिटेशन, वो ऑटोमेटिकली होने की बात है. अगर जैसे आप वो स्टेट में भी आते हो, तो बीच में आपके फिर बॉडी दुखती है, बीच में आपको याद आ जाता है अरे मुझे डायबिटीज है, अरे बीच में आपको अलग अलग जॉइंट्स में पेन आते हैं, अलग अलग जो इंद्रिया वो स्टेबल होने चाहिए वो नहीं स्टेबल होती है. तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए है, क्लेंजिंग में लाने के लिए है आयुर्वेद. और ये आयुर्वेद है वो सिर्फ प्रिवेंशन के लिए है. अगर आप इसको बोलोगे मुझे क्योर करो, तो ऑफ कोर्स क्योर तो देता ही है, वो हीलिंग देता ही है, कंप्लीट क्योर देता है एक्चुअली, मगर फर्स्ट इट्स द प्रिवेंशन एंड देन कम्स द एक्चुअल चिकित्सा, द एक्चुअल क्योर. और प्रिवेंशन के लिए आयुर्वेद ने सबसे ब्यूटीफुल हेल्थ डेफिनेशन आज के डेट में ये वर्ल्ड को दी है, यूनिवर्स को दी है. तो वो कहते हैं, नॉर्मल जो डॉक्टर्स कंसीडर करते हैं या जो मेडिसिन कंसीडर करती है, आज के डेट में जो कंसीडर करती आई है WHO, वो है एब्सेंस ऑफ डिसीज. मगर अभी WHO ने एक्सेप्ट किया है आयुर्वेद को कि इससे बढ़िया जो मदर, इसको मदर कहते हैं एक्चुअली आयुर्वेद को, मदर ऑफ ऑल हीलिंग सिस्टम्स, जो एक ये माँ है. तो ये माँ में कैसे आना है, हमारे संस्कार को मिटा के, हमारे जो वासनाज है, हमारे जो कामना है ये मिटा के, जो वृत्ति है इसको दूर करके. और ये दूर करने के लिए हमें आना है रेजोनेंस. रेजोनेंस विद व्हाट? विद द वाइब्रेशंस, विद द डिवाइन साउंड, विद द डिवाइन नाद. सो साउंड क्या करता है हमारे जीवन में? अगर हम यहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ें सुन पा रहे हैं, तो हम वहाँ पे अगर होते तो इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस. अभी शायद से वो विसिनिटी में नहीं है, मगर अनोइंगली इट्स क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस. तो ये जो वाइब्रेशंस है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं हमारे जीवन में. और ये वाइब्रेशंस है वो हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है. आज के डेट में रिसर्च कह रहा है कि जैसे आप इवन 12-13 मिनट अच्छा म्यूजिक आपको जो सुनाई देता है, आप वो सुनोगे तो आपके जीवन में जो कॉर्टिसोल है या जो स्ट्रेस के हॉर्मोन्स है वो बैलेंस होते हैं. तो वाइब्रेशंस दे आर वेरी मच, वो सामने ही है मगर हिडन है. सो वाइब्रेशंस में आने के लिए हमें एक लगता है एक प्रकार का इन्विटेशन. सो कैन वी स्टार्ट विद द इन्विटेशन विद ऑल द गुरुज एंड मास्टर्स? ठीक है. सो ये जो गुरुस्तवन है ये कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है. ये गुरु के एक ब्लेसिंग्स है. सो जिनको आंखें बंद करना है वो आंखें भी बंद कर सकते हैं एंड जस्ट फ्लो विद द साउंड्स. Mm-hmm.
श्री गणेशाय नमः आयुर्वेद में जो स्वस्थ की डेफिनेशन है स्व अस्थ मीन्स जो स्व में अस्थ है मीन्स अ पर्सन हु इज सेल्फ रूटेड अ पर्सन हु इज सेल्फ बैलेंस्ड तो इसको आयुर्वेद कहता है कि तभी आप हेल्थ की यहाँ पे जा सकते हो हेल्थ मतलब कैसे एक होलिस्टिक जहाँ पे आपकी बॉडी आपके माइंड और आपके एनर्जीज या वाइब्रेशंस वो एक अलाइनमेंट में है और जहाँ पे आपका हेड हार्ट और नेवल अलाइनमेंट में है तो ही आप फिर एक हेल्थ में हो नहीं तो आप हेल्थ में नहीं हो एंड इट स्टार्ट्स विद अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन कि जहाँ पे आपके दोष आपके धातुस आपके मल और आपके जो दोष मतलब हमारे जो एनर्जेटिक फोर्सेस हमारे धातुस मतलब देर आर सेवन लेयर्स ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी और मल मतलब हमारे जो एक्सक्रीशन के जो मेथड्स है वो बैलेंस होना चाहिए और आगे जाके एक ब्यूटीफुल जो एक एडिशन है इसमें
वो है कि हमारा माइंड कंटेंट होना चाहिए, हमारे इंद्रिया बैलेंस्ड होने चाहिए और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ ही एक्चुअली बैलेंस्ड होना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में कहाँ पे दिया है, अग्नि को। मतलब कैसे, सम दोष मीन्स बैलेंस्ड दोषस, बैलेंस्ड धातुस, बैलेंस्ड मल, मल मीन्स तीन मल है हमारे में, स्वेट द यूरिन एंड द एक्सक्रीशन। तो ये मल भी बैलेंस्ड होने चाहिए और अग्नि, अग्नि को सबसे इम्पोर्टेंस है किसी भी योगिक टेक्स्ट में और किसी भी आयुर्वेदिक सूत्रास में। अग्नि, अगर अग्नि ही हमारे जीवन में नहीं है तो वो क्या होता है, आपको मैं एक ब्यूटिफुल एक जो कंक्लूजन है वो आपको सीधी बात से ये शेयर करूँगा इन दी अपकमिंग मिनट्स। ये चार फिजिकल लेयर्स में बैलेंस होने चाहिए और ऑफकोर्स हमारे इमोशनल मेंटल लेयर्स पे, और आगे जाके हमारे इंद्रिया मीनिंग द फाइव सेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम द इनसाइड, ये बैलेंस्ड होने चाहिए और एक कंटेंट और हैप्पी माइंड होना चाहिए, पर्पस आना चाहिए। हमारी जो आत्मा का अवेकनिंग है, बोध का अवेकनिंग है, उसके लिए पर्पस चाहिए, तो ही फिर आप हेल्दी हो। सो एज पर आयुर्वेदा आर वी हेल्दी? आई थिंक वी आर नॉट इवन क्लोज देयर। तो वैसे है तो जैसे ही हमारी ये ह्यूमन सिस्टम ऐसी बनाई गई है कि जैसे ही आपके जीवन में एक हायर पर्पस आ जाता है, एक हायर एनर्जीज आ जाती है, आपके जीवन में जुड़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी हॉर्मोन्स है वो बैलेंस होते हैं। जैसे कि ये जो हैप्पी हॉर्मोन्स है, आपको बता भी होगा, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन और भी बहुत सारे हैं जो बैलेंस करते हैं। ये एक्टिविटी कभी होते हैं, एस्पेशली जो सेरोटोनिन है उसका सबसे ज़्यादा सिक्रेशन होता है गट में, मीनिंग जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है, जठर अग्नि जहाँ पे है, तो वहाँ पे गट लाइनिंग पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, इवन मोर देन द ब्रेन। और ये प्रोड्यूस ही कैसे होता है सेरोटोनिन? तभी आप एक पर्पसफुल वर्क में हो, एक पर्पसफुल कार्य में हो, नहीं तो अगर आपके जीवन में पर्पस ही नहीं है तो वो फ्लो ही नहीं होता है। इसलिए आप देखोगे कि लोग डिप्रेशन में क्यों है, लोग कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं, लोग इतने जो हमारे संस्कार से या वासनाज है, मीनिंग व्हाट, जो लोअर इमोशंस है इसमें क्यों है, बिकॉज जो अच्छे इमोशंस प्रोड्यूस करने के लिए जो हॉर्मोन्स है और नेसेसिटी ग्राउंडिंग है वही नहीं है, और आगे जाके दोष ही बैलेंस नहीं है। हमारी डे साइकिल, हमारे सीजन की साइकिल, वो भी बैलेंस नहीं है, तो इसलिए है। मगर जैसे ही आपके जीवन में पर्पस आता है, मतलब कैसे आपके जीवन में मोक्ष और धर्म का पिलर है वो बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो अर्थ है और काम है, अर्थ मीन्स द प्रॉस्पेरिटी, नीड नॉट बी ओनली ऑफ द फाइनेंसेस बट द प्रॉस्पेरिटी, एक मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी, और काम जो है वो प्लेजर्स, प्लेजर एज वेल एज पेन, वो फ्लरिश होते हैं। नहीं तो हम क्या, हमारा माइंड बहुत चालाक है, वो पेन को सप्रेस करता है, प्लेजर्स को बहुत एंजॉय करता है, मगर आज के डेट में क्या है, हम प्लेजर्स को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे, जो अच्छी चीज़ है वो भी नहीं एंजॉय कर पा रहे, और जो पेन है, जो सफरिंग्स है, हम उसको भी कम्प्लीटली भोग नहीं रहे, कम्प्लीटली उसको एंजॉय नहीं कर रहे, तो वो भी नहीं है। मगर आयुर्वेद कहता है द मोमेंट वी वॉन्ट टू बी इन अ स्वस्थ कंडीशन, द मोमेंट वी वॉन्ट टू बी इन अ हेल्दी एनवायरमेंट, आपको लगता है कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ो। इसलिए हमारे एंशियंट टाइम्स में देर वॉज नॉट अ काइंड ऑफ अ मनी काइंड ऑफ अ सिस्टम, बिकॉज जहाँ पे जो वैद्य थे, आयुर्वेदा में वैद्य है, नॉट डॉक्टर्स, वैद्य मतलब जो एक ज्ञान में परिपूर्ण है, जो कंटेंट व्यक्ति है उसका माइंड स्टेबल है, उसकी बॉडी प्यूरिफाइड है, और वो हमेशा क्लेंजिंग में रहता है, प्यूरिफिकेशन में रहता है ऑफ द एलिमेंट्स, तो वैद्य। और जो वैद्य की खासियत जो होती है, जैसे आप उसके सामने आते हो वो आपको पहचान लेता है कि इसके जीवन में ये कम है, इसके पास में ये हुआ था, इसके फ्यूचर में ये होगा, एंड देर आर वेज दैट द वैद्य कैन आइडेंटिफाइड मच मोर एट अ डीपर लेवल। मतलब कैसे, नाड़ी परीक्षा जो है, या फिर जो वैद्य है सिर्फ आवाज़ से आपको बोल सकती है आपके जीवन में ये कमी है, आपके जीवन में ये डिसीज है, दैट इज़ वॉट वी स्पेशलाइज, नाद योगा,
नाद योग मतलब कैसे हम सिर्फ साउंड से पहचानेंगे कि कैसे आपके जीवन में क्या कम है, क्या और आना चाहिए जिसके कारण आपके जीवन में एक प्रॉस्पेरिटी आ जाए, एक समृद्धि और सहजता आ जाए। आगे जाके जो वैद्यज है वो सिर्फ टंग को एनालाइज करके, ईयर्स को एनालाइज करके, स्किन को एनालाइज करके, आईज को एनालाइज करके, या फेस में जो भी है वो एनालाइज करके, या जो हमारे मल है उसको एनालाइज करके दे कुड प्रेडिक्ट। और इनका प्रेडिक्शन इतना एक्यूरेट होता था कि ऑर्गन लेवल तक या डीएनए लेवल तक वो प्रेडिक्ट करते थे। सो आयुर्वेद में जो दोष है दे आर नथिंग बट दी डीएनएस एक्चुअली, बिकॉज जो दोष है हमारे कफ पित्त वात वो हर एक सेल में है, हर एक हमारे एक्शन में है, हर एक हमारे जो भी हम काम करते हैं उसमें सब है, इन्वॉल्व है। अगर हमारे जीवन में बहुत वात दोष आ गया तो हम बहुत कन्फ्यूजन के स्टेट में जाते हैं, एंग्जाइटी जो है, और मेजॉरिटी जो अर्बनाइज लिविंग है वो वात दोष से गवर्नड है, मतलब हम बहुत रेस्टलेस हो चुके हैं। अगर हम पित्त को इम्बैलेंस्ड हमारे जीवन में कर दे तो क्या होगा, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा एंगर है कि नहीं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स विद द फायर। मगर वही फायर बैलेंस्ड हो जाए तो आपके जीवन में क्लेंजिंग आती है, आपके जीवन में एक वार्मथ आती है। आपने देखा होगा कि आप स्पेसिफिक कोई लोगों में या स्पेसिफिक गुरुज के साथ जैसे आप उनके सामिध्य में जाते हो, सिर्फ प्रेजेंस भी होता है तो आपके आपको लगता है अरे क्या तेज है इस आदमी में, है कि नहीं। आपने देखा होगा, आप कभी देख मतलब रियलाइज किया है ये, अरे क्या वाणी है इसकी, तो ये क्यों, बिकॉज ऑफ दी अग्नि। और कफ मतलब कंपैशन, प्यार, आप में सिर्फ प्यार ही प्यार है। और हमने जैसे डिस्कस कर रहे थे कि पोएटिक जेस्चर, मतलब आप विचार करो कि वो ऋषि मुनि इतने प्यार में थे कि उन्होंने पोएट में सब हेल्थ के सूत्रास दिए, सब सर्जरीज के सूत्रास दिए, और उस टाइम में कैसे थे ना, उसको डिग्रीज नहीं चाहिए थी। तो आप अगर वो वैद्यज है या जो गुरुज है वो एनालाइज कर पाते थे आपके जीवन में ये प्रकृति है, आपके जीवन में ये विकृति है, तो देख पाते थे इनको सबसे अच्छा काम मतलब जो वर्क है या जो कौन सा अच्छा पार्टनर होना चाहिए वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाते थे बेस्ड ऑन आवर दोषास, बेस्ड ऑन आवर नाडीज। बिकॉज जैसी हमारी नाडीज है, नाडीज आर दी सटल एनर्जेटिक पाथवेज, तो एक्चुअली नाद से ही आती है नाड़ी, नाड़ी से आती है नदी। सो नाद है तो नाड़ी क्लेंस्ड है, मगर हमारे जीवन में अगर नाद है विच इज द डिवाइन साउंड, तो हमारे जीवन में नाड़ी का बैलेंसिंग है, नाड़ी है तो फ्लो है, नदी जैसा फ्लो है, तो हम अटक जाते हैं। तो ये जो नाड़ी जो लोग पहले के जीवन में वैद्य देखते थे उसके कारण से वो सब देख पाते थे कि हमारे नाभि में क्या चालू है, हमारे पेट मतलब आगे जाके जो ये डाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव्स है उसमें क्या चालू है। तो हमें हेल्थ की तरफ बढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हमारे दोष बैलेंस होने चाहिए। तो दोष बैलेंस होने करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, मगर सबसे बेस्ट मेथड है पंचकर्मा। तो आप डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत सारे इसके अच्छे ऑथेंटिक सेंटर्स है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी इंडिया, इवन मुंबई में बहुत सारे अच्छे सेंटर्स है। तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपीरियंस, बिकॉज हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज जिसके कारण सिर्फ बात करेंगे ना तो कुछ काम नहीं करेगा वो, बिकॉज आप इंफॉर्मेशन रखे भी क्या करोगे, ये किताब में है, करोगे क्या आप इंफॉर्मेशन का, है कि नहीं। सो हम डायरेक्टली हम एप्लीकेबल, जहाँ पे एप्लीकेशन है इसका वो हम डिस्कस करेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे टॉक्स होते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ही होता है, तो क्या करेंगे हम इन्फॉर्मेशन करके, तो बहुत सारे टेक्निक्स है वो भी कैसे हम करेंगे ना, अनलेस एंड अंटिल वी आर नॉट कनेक्टेड विद द सेल्फ वो कुछ काम के ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई द एप्लीकेशन, सो द पंचकर्मा, और आगे जाके दिनचर्या जो हमारी है, दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये बेसिक फंडामेंटल्स है। और हमारा आहार मीनिंग द फूड, और हमारा जो निद्रा है मीनिंग द स्लीप, और आगे जाके हमारे जो जो ब्रह्मचारी एक्चुअली जो मतलब जो सेक्सुअल इंटीमेसी रिलेशनशिप्स है, तो हमारा फूड, स्लीप और हमारे सेक्सुअल लाइफ, ये अगर बैलेंस्ड है और हमारे दिनचर्या ऋतुचर्या
और हमारी क्लेंजिंग होती रही है तो हम इजीली इसमें जा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, सबसे डैमेज हमारे बॉडी में स्टार्ट होता है हमारे गट के साथ, हमारे नाभि के साथ। अगर हम अभी अगर ये आज के डेट में हम देखेंगे, हम जो खाना खा रहे हैं वो करेक्ट टाइम पे नहीं खा रहे हैं, हम करेक्ट इंटरवल्स में नहीं खा रहे हैं, हम कैसे भी खा रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होता है, जिसके माध्यम से वात दोष है वो बिगड़ता है। वात दोष मेजॉरिटी कहाँ पे होता है, हमारे गट पे, गट के नीचे, बेसिकली गट के नीचे, मतलब कहाँ पे, इंटेस्टाइन्स पे, लार्ज इंटेस्टाइन द कोलॉन है वो सबसे ज्यादा गवर्न करता है वात को। तो जैसे ये जो दोष है वो बॉडी के साथ भी कनेक्टेड है, हमारे माइंड के साथ भी कनेक्टेड है, और हमारे बिहेवियर्स के साथ भी, इमोशंस के साथ भी। तो कोलॉन, तो जैसे कोलॉन कॉन्स्टिपेट होने लगती है, वो क्या करती है, जो क्लेंजिंग होना चाहिए है वो क्लेंजिंग नहीं होता है, फिर हमारा अग्नि बिगड़ता है, और जैसे अग्नि बिगड़ता है वो क्या करता है, वो वात को पूरे बॉडी में स्प्रेड कर देता है। अगर हमने यहाँ पे फॉरेस्ट पे आग लगाई और बहुत सारा हवा दे दिया तो क्या होगा, बढ़ेगा ना, वो सब जगह पे बढ़ेगा, तो ऐसे हमारे शरीर में होता है फिर। तो हमें आयुर्वेद अंडरस्टैंड करना है, योगा अंडरस्टैंड करना है, वो तो हम इंफॉर्मेशन से नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो सिर्फ तत्व ज्ञान से ही आता है। तत्व ज्ञान आता है एक, अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग इट बैक अगेन, एक गुरु के सामिध्य में आता है, तत्व का ज्ञान एक्सपीरियंस में आता है आपके। तो हमारे शरीर में पूरा का पूरा वात दोष वो स्प्रेड हो जाता है। तो इसके कारण अगर आप देखोगे, जिनको बॉडी पेन बहुत है तो उनका डाइजेशन भी वैसे ही खराब है, उनकी जैसे हमारा वात दोष बिगड़ता है तो नी पेन सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, फिर बैक पेन होता है लोगों को, लोअर बैक पेन, या साइटिका के इश्यूज है, या शोल्डर, आज के डेट में जो फ्रोजन शोल्डर है, दिस आर नथिंग बट दी वात दोष, वात का ये इम्बैलेंस्ड है। और वात का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है कि साउंड थेरेपी। बिकॉज क्या होता है, जैसे ही हम एक्सपीरियंस भी करेंगे ये, जैसे आप साउंड थेरेपी में जाते हो तो आप एक गहरी ट्रांस में चले जाते हो, एक गहरी मेडिटेशन के अवस्थे में चले जाते हो, जहाँ पे आपके जीवन में जो रिक्वायर्ड हार्मोन्स है, जो नर्वस सिस्टम को रिक्वायर्ड बैलेंस है। तो अभी क्या हुआ है, नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस्ड पे है, जो इसका रिस्पॉन्स भी है, जो सेंसेशंस है हमारे जीवन में, हम सेंसिटाइज नहीं है, तो इसके कारण क्या है, यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है जो हमारा हेड का कनेक्शन है हार्ट के साथ और नेवल के साथ, वो एक वेगस नर्व है, तो वो कट ऑफ हो जाता है। जैसे वो कट ऑफ हो जाता है, फिर द बॉडी इज इन हे वायर, तो उसको समझता ही नहीं है फिर, मैं क्या खाऊं, किस टाइम पे खाऊं, कैसे ये करूं, वो कैसे करूं, मुझे ये अभी सोना चाहिए या बाद में टॉयलेट करना चाहिए, कुछ समझता ही नहीं बॉडी को। फिर बॉडी सेंसेशंस देते रहती है मगर हमें नहीं समझता, वो हमारे जो एक्शंस करने की जो वो उसको नहीं समझता। वैसे है बॉडी इज वेरी मच कैपेबल ऑफ इन्फिनिट विजडम, मगर हम उसको अलाव नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारा ओवर एक्टिव माइंड हो चुका है, बहुत सारा एनालिसिस कैलकुलेशन, वी डोंट रिकॉग्नाइज, करेक्ट। हमारा जो सेल्यूलर बॉन्ड है वो सिर्फ प्यार में है, जो वो सिर्फ जो कफ का दोष है, कफ का जो एनर्जी है उसमें, मतलब प्यार में, एक लव में है, मगर हम लव को रियलाइज नहीं कर पा रहे, बिकॉज हम बहुत सारा एनालिसिस में आ गए हैं। मगर जैसे हम ये एनालिसिस को शांत करें, माइंड को शांत करें, ये वात दोष को अच्छा बैलेंस कर दें, सो फिर आपका जीवन में जो अग्नि है और जो कफ है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होती है। बिकॉज हम जो कंडीशन, बिकॉज हम जो एनवायरमेंट में है वही वात दोष से गवर्नड है। अभी जो सिस्टम्स भी बनाए हैं हमारे जीवन में वो वात दोष से ही गवर्नड कर रहे हैं। और आपको एक ये कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, अभी कॉन्ट्राडिक्शन की बात करूंगा, कि वात दोष तो इतना डैमेजिंग है, मगर जो वात दोष के लोग हैं वही ज़्यादा इवॉल्व भी हो सकते हैं। बिकॉज जैसे आप वो प्राण को पकड़ लेते हैं तो आपके जीवन में योग इजीली हो जाता है। फिर है कि मज़े की बात है ना, कॉन्ट्राडिक्शन की बात, आपके जीवन में सबसे तकलीफ वात ही लाएगा मगर सबसे ज़्यादा अवेकनिंग भी वात ही देगा, बिकॉज वो स्पेस के साथ भी कनेक्टेड है। बिकॉज जैसे कि अगर आप लेजी है मतलब ओवर इंडल्जेंट है, ओवर इंडल्ज हम बोल सकते हैं, मगर आप रिलैक्स्ड हो
आप अच्छी तरीके से सो रहे हो तो उसको आप लेजी कहोगे? नहीं. तो ओवर इंडल्जेंस ऑफ द एलिमेंट्स, ओवर मतलब अब्यूजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, अब्यूजमेंट ऑफ द दोषास, अब्यूजमेंट ऑफ आवर डेली लाइफस्टाइल, इट कॉजेज द इम्बैलेंस इन द एलिमेंट्स. मगर वही एलिमेंट्स को हम अच्छी तरीके से यूज करें, मतलब कैसे, एग्जाम्पल इजी तरीके से सोशल मीडिया है. अगर हम सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से यूज करें देन इट्स अ गिफ्ट टू अस, द इंटरनेट इज अ गिफ्ट टू अस. मगर वही इंटरनेट को हम ओवर इंडल्ज करें तो वो तकलीफ है. तो वैसे ही एलिमेंट्स के साथ भी है. वो एलिमेंट्स स्पेसिफिक वे से जो सूत्रास है आयुर्वेद में वो है तो बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ काम करेगा. आपके जीवन में जो तरीक है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी. फिर आप सिर्फ हो, आपका सिर्फ प्रेजेंस है और ये प्रेजेंस में आपके जीवन में काम हो रहे हैं. आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं. आपके जीवन में जो मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी है वो इजीली आ रही है. तो हमें बहुत डूइंग डोमेन से काम करना रखता है कि नहीं? बहुत सारा एफर्ट डालने लग रहा है. अभी एफर्ट क्यों डालने लग रहा है? बिकॉज हमारे दोष ही बैलेंस नहीं है. सो दोष को हम कैसे बैलेंस करें? पंचकर्मा इज द बेस्ट वे. और उसका अल्टीमेट है कि साउंड. जैसे हम साउंड थेरेपी आ गए, हमारे थॉट्स बंद हो जाते हैं और ये हम अनुभव करेंगे. थॉट्स, हम थॉटलेसनेस की तरफ जाएंगे. और योग सूत्र पातंजलि यही कहते हैं कि अगर आप निर्विचार अवस्था में हो तो ही आपके प्रज्ञा का विकास होता है. मगर आज के डेट में क्या हो रहा है, जो ट्रेनर्स है, जो अच्छे अच्छे ट्रेनर्स है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इन एनी वे. इवन मैंने अभी जो पहले कमेंट्स किए वो क्रिटिसिज्म से नहीं है, वो प्यार से है. बिकॉज हमने उसको अच्छी तरीके से जांचा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो जैसे आप निर्विचार अवस्था में आते हो तो आपके प्रज्ञा का विकास होता है, आपके बोध का विकास होता है, आपको एक सर्टन रियलाइजेशन में आ जाते हो. और ये आसानी से हम साउंड थेरेपी में आ सकते हैं. तो वैसे है. सो आयुर्वेद इज काइंड ऑफ अ साइंस ऑफ लाइफ. आयु जो है इट्स द लाइफ, वेद मीन्स द शास्त्र. सो इज द शास्त्र ऑफ द जीवन. जैसे आप बॉर्न होते हो, वो बॉर्न होने के कंसेप्शन के टाइम से जो एंड साइकिल है उसमें हमारी प्रकृति फिक्स होती है. और जैसे हम प्रकृति के अगेंस्ट चले जाते हैं, हमारी इंट्रिंसिक नेचर जो है, हमारी इंट्रिंसिक जो दोष है उससे बाहर चले आते हैं तो विकृति में आते हैं. आपको कनेक्शन समझ रहा है? तो हम दोष ही बिगड़ते क्यों है? हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम संस्कार लेके आते हैं उससे बिगड़ता है, और हमारा एनवायरनमेंट और हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल. तो आज के डेट में जो 90% ऑफ क्रॉनिक एलिमेंट्स है वो लाइफस्टाइल के कारण है. और आयुर्वेद हमें कहता है जो लाइफस्टाइल का आगे जाके जो ओरिजिन है माइंड में. बिकॉज स्वस्थ की डेफिनेशन में कहा है कि हमें स्टेबल और कंटेंट माइंड चाहिए, कंटेंटमेंट. अगर हमारे जीवन में कंटेंटमेंट नहीं है, वो एक तरीके का प्यार नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाते फिर. और ये जो प्यार है इट्स अ डिवाइन लव. तो तब तक वो नहीं आता है, हम फिर एक प्यासे व्यक्ति की तरफ घूमते फिरते रहते हैं. टिल द एंड ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ हम सिर्फ घूमते फिरते हैं. और हमें भी लगता है कि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करें तो शायद से वो जो गैप है वो फिल हो जाए. बहुत सारा हम आयुर्वेद पढ़ लें तो अच्छा हो जाए, बहुत सारे योग पढ़ लें तो अच्छा हो जाए. मगर ऐसा होता ही नहीं है. बिकॉज आपका बोध का विकास पढ़ने से नहीं होता है. आपका जो आयुर्वेद का एक्सपीरियंस है वो पढ़ने से नहीं होगा. बिकॉज आप पढ़ने लगोगे ना, आप हंस दोगे वो टेक्स्ट पे. बिकॉज दे आर ऑल इन अ पोएटिक, इन अ वेरी वी कैन से, अगर हमने उसके साथ रेजोनेट ही नहीं किया ना जो टेक्स्ट में है, तो आप ऐसे ही पढ़ लोगे उसको और फिर उसका एसेंस हम खो देंगे. तो ऐसे है. और आयुर्वेद इज द मोस्ट, यू कैन से द कोलैबोरेटिव साइंस. वहां पे कहा है जो हम दोष को बैलेंस करेंगे वो हम यूज करेंगे. मतलब कैसे? वहां पे रिस्ट्रिक्शन, अल्कोहल के लिए भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है सूत्रास में, स्मोकिंग के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. आप करो मगर उसका एक स्पेसिफिक वे है. आप मीट खाओ मगर उसका भी स्पेसिफिक वे है. और ये सब लिखा है हमारे शास्त्रों में कि कैसे मीट को इस्तेमाल करना है, कैसे ब्लड लेटिंग का, जो ब्लड के, एक्चुअली ब्लड लेटिंग एक पंचकर्मा में मेथड भी है, जिससे हम जो गंदा ब्लड है उसको बाहर निकालेंगे, उसका एक तरीका है. तो उसका तरीका, या जो अल्कोहल का तरीका, मतलब वाइन है, वाइन मेंशन्ड है,
या जो स्मोकिंग, स्मोकिंग मतलब कैसे, नॉट ऑफ द टोबैको और ऑफ द बैड एलिमेंट्स, बैड जो है, मगर उसके हर्ब्स का स्मोकिंग. बिकॉज कैसे, जैसे आप स्मोक को इनहेल करते हो, आपके पूरे के पूरे लंग्स में वो स्प्रेड होता है. और अगर वो हर्बलाइज्ड होगा, अगर उसमें हर्ब्स इन्वॉल्व होंगे, तो हर एक सेल में जाके वो प्यूरीफाई करता है. तो वो वाला हर्ब, वो वाला स्मोकिंग, नॉट ऑफ द टोबैको या जो निकोटीन जहाँ से आगे जाके वो बॉडी में लाता है, तो वो नहीं. सो ऐसे है ये, दैट्स द ब्यूटी. आगे जाके स्पेसिफिक हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में मैंने दो चार आर्टिकल्स लिखे, वो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा आपके साथ. तो पानी कैसे पीना चाहिए, हमारे घर में जो यूटेंसिल्स है वो कैसे होने चाहिए, कौन से मेटल के होने चाहिए, ये जो जैसे कि ये देख रहे हो आप सिंगिंग बोल, इसका भी मेंशन है उपनिषद में, रस शास्त्र में और ज्ञानेश्वरी में, कि कैसे इसके जो रस, रस मतलब मेटल्स, जो टॉक्सिकोलॉजी है या मेटलर्जी है, आयुर्वेद में जो मैंशन है कि कौन से मेटल्स हमें यूज़ करना है, कौन से लाइफ स्टाइल के लिए, कौन से मेटल से कौन से सीजन में हमें पीने चाहिए. जैसे कि रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा बेहतरीन है कॉपर, बिकॉज इट्स दी जो जिसमें जहाँ पे ऑक्सीडेशन अच्छी तरीके से होता है, प्रोटेक्शन मिलता है पानी को. जो समर टाइम है उसमें हम मटके से पी सकते हैं पानी, और बाकी के टाइम पे एक्चुअली गोल्ड से एक्चुअली कहा है, मगर हम हमारे जो मटके है या फिर कॉपर है उसमें हम कुछ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी डाल सकते हैं, मगर आज के डेट में वो बहुत ये है, रिस्क है. मगर वैसे ही है, बिकॉज वो गोल्ड है, वो पानी का टेम्परेचर ही चेंज कर देता है, और ऐसे प्रॉपर्टीज है मेटल्स में, वो पानी को शुद्ध कर देता है. और सिमिलरली हमारे शरीर में भी वही चालू है. सो ये जो मेटल है, ये जो कॉपर और टिन है, द मोमेंट वी कम इन टू दिस वाइब्रेशंस, हमारे जीवन में जो अंदर वाटर है, मतलब 75% या 80% जो पानी है, वो प्यूरिफिकेशन आता है. हमारा जो तत्व है, स्पेस तत्व है, सबसे ज़्यादा इससे प्यूरीफाई होता है. स्पेस तत्व और आनंदमय कोश, हमारे जो 5 कोश है इन द योगिक टेक्स्ट. सो आनंदमय कोश, आगे जाके जो आनंदमय कोश तक, तो नाद योग है और साउंड थेरेपी है, वो डायरेक्ट आनंदमय कोश को प्यूरीफाई करते हैं. तो जैसे आप स्पेस या आनंदमय कोश को प्यूरिफिकेशन करते हो, तो एनी हाउ जो नीचे के 4 एलिमेंट्स है, नीचे के 4 तत्व है, कोश है, वो एनी हाउ बैलेंस्ड होते हैं. जैसे आप वात दोष को अच्छी तरीके से बैलेंस करते हो, तो आपके जीवन में अग्नि है और कफ है, वो बैलेंस्ड होता है. एक्सपीरियंस में आप आ जाओगे, आप एक्सपीरियंस में आ जाते हो, तो आपकी बॉडी आपको, आपको खुद कहती है कि आज मुझे मटके से पानी पीना है, आज मुझे कॉपर के बर्तन से पानी पीना है. यस, करेक्ट. तो वैसे ही है, बराबर है. जो आयुर्वेद में जो औषधि है, औषधि का भी ओवर इंटेलिजेंस आपने कर लिया, तो आपके लिए वो जहर हो जाती है. तो ऐसे कहा गया है, सूत्रा है, कि औषधि का भी आप ओवर इंटेलिजेंस करोगे तो प्रॉब्लम है फिर. तो वैसे है, तो इसलिए अगर हमने खुद को जांच लिया, मतलब हम खुद स्वास्थ्य की तरफ जाने लगे, मतलब ही क्या, हमारी प्रकृति को हम एनालाइज करेंगे. हमारे प्रकृति के हिसाब से हमारे लाइफस्टाइल, हमारा वर्क स्टाइल, हमारा जो भी रिलेशनशिप है, वो हम मैनेज करेंगे. तो आज के डेट में क्या हो रहा है, लोगों को खुद की प्रकृति और विकृति ही नहीं मालूम है, इसके कारण हो रहा है. तो प्रकृति मालूम नहीं है, तो सुबह उठ के फिर हम YouTube पे वीडियो देखते हैं अच्छे अच्छे, उस पर बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं. तो एक जन कहता है कि आप पानी पियो, एक जन कहता है आप गर्म पानी पियो, एक जन कहता है आप उठ उठ बैठ के पानी पियो, एक जन कहता है उसमें लेमन डाल के पानी पियो, एक जन कहता है उसमें काढ़ा पियो, एक जन के, तो बहुत सारे इनफाइनाइट है. मगर हमारे लिए जो क्या है, तो हमारे लिए जो है वो है आपका बोध, आपका प्रज्ञा, आपका आत्मा है. तो आत्मा में कैसे आते हैं, विधि नाद योग. तो इसलिए अगर आप आयुर्वेद अंडरस्टैंड कर रहे हो और योग है तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर आप ये टिप्स में पढ़ते रहोगे. तो ये है कि अभी आप यहाँ पे हो, ठीक है, एक मैं ये रख देता हूँ. ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आप इधर हो, ठीक है, दिस इज यू, कंसिडर दिस, और ये सब बहुत सारे वाइब्रेशंस है, ठीक है. तो ये इनफाइनाइट है ना लाइफ में, तो कितने आप पढ़ते रहोगे टिप्स,
टिप्स पढ़ोगे, लाइफस्टाइल पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, ऑथर्स पढ़ोगे, सेल्फ हेल्प पढ़ोगे, कितना है ये और कितने को चेंज करते रहोगे आपको घर पे यूटेंसिल्स. मुझे मैं लास्ट 6 मंथ से ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है. कभी कभी माँ कुछ बोलती है, कभी कभी आजी कुछ बोलती है, तो हो ही नहीं रहा है. तो कैसे करे ये फिर? ऑफकोर्स स्लोली स्लोली वो हो सकता है, मगर कितना करोगे ये आप? ये तो इनफाइनाइट है. तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है फिर? जो इधर है उसको ही आप एलिवेट कर दो. समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हमने वाइब्रेशंस को एलिवेट कर दिए, तो जैसे अगर हम बहुत सारे हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव माइंड में रह गए ना, तो हमें इसका अफेक्ट होता है. मगर हम माइंड के परे गए, स्टेट ऑफ नो माइंड में चले गए, तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज आप डायरेक्टली आपके ज्ञान और आनंदमय कोश के साथ कनेक्टेड हो और उसके भी परे. इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जो हरि की अवस्था है, जो निर्गुण है, उसमें कुछ गुण ही नहीं, वो गुण के परे है, वो दोष के परे है कि नहीं? आप समझ पा रहे हो? तो अगर इसको ये स्टेट को रियलाइज करना है, तो थोड़ा आयुर्वेद की मदद लेने का और उसके बाद वो अवस्था में आने का, योग का मदद लेने का और वो अवस्था में आने का, और फिर उसके बाद क्या होगा, आपके वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे. एंड दिस इज द रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन. यू कैनॉट राइट अफर्मेशंस एंड से कि ये मेरे जीवन में मैनिफेस्ट होगा. ये होता ही नहीं है, बिकॉज आपके संस्कार ही है. आपको क्या पता, आप पास से कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब आपके संस्कारों से ही कर रहे हो. मतलब आपके डीएनए, जो पुरखों से डीएनए पैटर्न है, उससे आप कर रहे हो. है कि नहीं मजे की बात? तो जितना भी आप माइंड से, ऑफकोर्स इट वर्क्स, आई एम नॉट सेइंग इट डजंट वर्क, मगर आप लिमिटेड हो जाएगा वो. तो सच का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो आता है हमारे वाइब्रेशंस के साथ. और वाइब्रेशंस कैसे हम मैनेज करेंगे? आयुर्वेद के साथ. बिकॉज वो हमारे बॉडी को इतना सेंसिटिव कर देता है कि जैसे अभी पहले मैं ट्रैवल करता था, तो बॉडी कुछ कम्युनिकेट ही नहीं करती थी, सेंसिटिविटी ही नहीं थी. मगर जैसे मैं वो क्लेंसिंग प्रोसेस में जुड़ गया हूँ, तो इतना मुझे कम्युनिकेशन आते हैं. कुछ पर्टिकुलर साउंड से मुझे वो जमते ही नहीं है, कुछ पर्टिकुलर वे ऑफ कम्यूट है वो मुझे जमता ही नहीं है, या फिर वो कम्यूट कर रहा हूँ तो जो मेरी स्पाइन है वो बहुत सेंसिटिव हो चुकी है अभी, और फिर वो कम्युनिकेट करती है, अरे इससे ट्रैवल मत कर, तुझे तेरी लाइफ में दिक्कत आती है, इससे बात मत कर, तो दिक्कत आएगी. ऐसा ऐसा है ये काम, तुझे अगर हो रहा है तो ही ये कर, नहीं तो मत कर. तो हम बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं. तो जैसे आप वाइब्रेशंस में आते हो, आप सेंसिटिविटी में आते हो, तो ये ऑटोमेटिकली जीवन में होता है. तो अभी क्या हो रहा है ना, जो यूटेंसिल्स की मुझे इतना हार्ड में पीछे पड़ा था, अभी वो ऑटोमेटिकली हो रहा है. ऑटोमेटिकली घर के सब चेंज भी हो गए. ऑटोमेटिकली माय डैड ऑन दिस एनिवर्सरी गिफ्टेड 2-3 जो मिट्टी के यूटेंसिल्स. तो ऐसे कैसे हो गया ना वो? अभी तक तो कभी नहीं, 20 साल में मैंने देखा मेरे मॉम डैड को यूज करते हुए. एल्यूमिनियम ही यूज करते थे हम, और वो बहुत ही डेंजरस है. मैंने रिसेंटली सूत्रा पढ़ा है, जो अगर हम जो मेटल, ये जो लो मेटल्स है, अगर उससे हम खाना पकाएंगे ना, तो उसमें सिर्फ 8-10% ही रहते हैं, बाकी सब लॉस्ट हो जाते हैं. मगर हम जो कास का थाली है, कास के जो यूटेंसिल्स है, या मिट्टी तो सबसे बेहतरीन. तो अगर वो कास और मिट्टी के साथ हम अगर खाना पकाएंगे, तो आपको 92% के ऊपर वो रिटेन होता है. बिकॉज क्या है, इन अ वे हम सिर्फ अर्थ के साथ तो जुड़े हैं. हमारी बॉडी है वो अर्थ तो है. When we experience death, तो उसके साथ हम कहते हैं ना, इसकी बॉडी है अभी, है कि नहीं? तो इट इज नथिंग बट द सॉइल अगेन. तो एक एक्सपीरियंस है. तो जैसे आप बहुत नेचुरल वे में चले जाते हो ना, एक होलिस्टिक वे में, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली वो आने लगता है. बिकॉज आप अगर ये सूत्रास पढ़ने जाओगे ना, तो आपकी पूरी जीवन कट जाएगी, तो भी आप पढ़ नहीं पाओगे, इतने बड़े हैं वो. मतलब सिर्फ एक संहिता में बियॉन्ड 5000 वर्सेस है, 8000 वर्सेस है. अभी कभी 8000 वर्सेस हम पढ़ेंगे? इम्पॉसिबल है. ऑफकोर्स पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है. मगर एज अ ऑर्डिनरी जिसको बेनिफिट्स चाहिए है, वो तो नहीं हो पाएगा ना. सिमिलर केस विद ऑल द उपनिषद्स, विद द योगिक टेक्स्ट. तो कहाँ पे है इसका एंड साइकिल? तो एंड साइकिल है एक्सपीरियंस में ही. एंड साइकिल है हमारे वाइब्रेशंस को एलिवेट करने में.
तो वो सबसे बेस्ट है, बेहतरीन सा तरीका है. और वहाँ पे फिर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, आप डाउनलोड करने लगते हो, जिसके कारण आप अब तक घर की यूटेंसिल्स से जो आयुर्वेदिक वे है वो ऑटोमेटिकली आप इम्प्लीमेंट करते हो. जैसे कि मैं पहले हर एक एक घंटे दो दो घंटे में कुछ तो खाते ही था, जो चरना बोल नहीं क्या बोलते हैं हम, गाय चरती है ना, तो ऐसे ही चालू था मेरा ग्रेजिंग. वेरी ट्रू. मगर वो सिर्फ उनको ही जमता है, वो मेरे जीवन में मैं कर रहा था. मगर जैसे ही मैं सेंसिटिव हो गया तो मैं अभी मिनिमम 5 to 7 hours का मेरा गैप होता है. तो पहले हंगर जो थी वो क्या, वो बॉडी को चाहिए नहीं थी, वो बॉडी की नहीं थी, वो मेरी वासना थी. तो वो वासना को कैसे एनालाइज किया मैंने, प्रकृति और विकृति को जान के, मेरे अंदर जो दोष है उसको एनालाइज करके, है कि नहीं. अगर खुद से नहीं हमें जम रहा है तो जो अच्छा आयुर्वेदिक फिजिशियंस है आपके जो भी एरिया में है उनको एक बार जाके कंसल्टेंशन करके आओ कि अरे मेरी क्या प्रकृति है, मुझे क्या खाना चाहिए. बिकॉज कैसे है ना, आज के डेट में लोग जाते ही क्यों है डिसीज गंवाने को, प्रिवेंशन के लिए कोई नहीं जाता. इमरजेंसी आती तभी लोग जाते हैं. इसलिए आयुर्वेद स्पेसिफिकली मेंशनड है सूत्रास में कि आप काम करो प्रिवेंशन पे, तो चिकित्सा है वो ऑटोमेटिक होगी आपके जीवन में. तो प्रिवेंशन पे, इसलिए जो हमारे नाड़ी परीक्षा है या जो प्रकृति विकृति एनालिसिस है वो करके आना. और हर सीजन साइकिल में तो आयुर्वेद ने कहा है कि आप पंचकर्मा करो, मतलब 3 months हुए तो एक पंचकर्मा होना चाहिए, और 3 months हुए तो पंचकर्मा होना चाहिए. और हर 3 months में अलग अलग ऋतुचर्या है. बिकॉज 6 ऋतु है हमारे भारतीय परंपरे में, 3 नहीं है 6 है, तो वैसे है. तो उसके अलग अलग टाइम साइकिल. इसलिए जो एकादशी है वो हमेशा 21 days में आती है, बिकॉज वो साइकिल्स मेंटेन करने के लिए. तो वैसे है. तो अगेन कमिंग बैक टू द रूट्स, हमें सेंसिटिविटी क्यों चाहिए, असली योग को एक्सपीरियंस करने के लिए. जो असली योग को भी क्यों जीवन में एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज वो जीवन में आपके परिपूर्णता लाएगा, कंटेंटमेंट लाएगा आपके जीवन में, धर्म अर्थ काम मोक्ष और आरोग्य ये एक साथ आपके जीवन में लाएगा. इसलिए योग, योग इज नॉट ऑफ द फिजिकल आसन्स और यू डू इट फॉर डायबिटीज रिवर्सल या वेट लॉस, इट्स अ बाय प्रोडक्ट. वो बाय प्रोडक्ट है बिकॉज आपके दोष बैलेंस हो रहे हैं. तो वो करने के लिए हमें लगने वाला है क्लेंजिंग. तो क्लेंजिंग कैसे है, हमारे बॉडी की भी होनी चाहिए, हमारे माइंड की होनी चाहिए और हमारे वाइब्रेशंस की होनी चाहिए. तो बॉडी माइंड के लिए है सबसे फास्टेस्ट है साउंड थेरेपी और आयुर्वेदा. और आयुर्वेद में कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कि मैं भी सब फॉलो नहीं कर रहा हूँ अभी, मगर जो मेरे से हो रहा है एटलीस्ट आई एम देन नाउ मेडिटेटिव अबाउट इट, है कि नहीं. अगर वो भी हम नहीं कर पा रहे तो कैसे होगा, कभी ना कभी वो आएगा ही. जैसे कि डायबिटीज़ है या जो आज के डेट में लोगों को इतने कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ आ रहे हैं, वो इतनी ईजिली नहीं आते हैं. बॉडी 20-25 साल लगाते हैं वो मैनिफेस्ट होने के लिए. मगर सबसे पहले इम्बैलेंस होता है हमारे वाइब्रेशंस पे, हमारे वाइब्रेशंस के बाद हमारे इमोशंस पे, हमारे मेंटल एटीट्यूड्स पे. तो वैसे, और वो मेंटल एटीट्यूड्स फिर आगे जाके इमोशंस से वो फिजिकल मैनिफेस्ट कर देते हैं. तो वैसे है, तो हर एक डिसीज हर एक दोषा के साथ कनेक्टेड है. हर एक दोष है वो हमारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स और माइंड के साथ कनेक्टेड है. और जैसे हम खुद को जानते हैं, खुद को जानना मतलब कैसे, एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विद द प्रकृति. बिकॉज जैसे ही हमारे जीवन में अच्छा कुछ लाइफस्टाइल आ जाए तो फिर आसान है खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए. सेल्फ विटनेस जो है या एक जो योग की अवस्था है, रियलाइजेशन की अवस्था है, वो आसान हो जाएगी. तो उसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, बिना मतलब के अड़थले आ जाएंगे. बिकॉज इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इट्स नॉट, ऑफकोर्स जो रेडी है उसको ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकता है, मगर मैक्सिमम परसेंट ऑफ पीपल के लिए वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. एंड बिलीव मी, आज यहाँ पे जो आप आए हो, आपको भले लग रहा है कि आप आयुर्वेद के लिए आए हो, नाद चिकित्सा के लिए आए हो, साउंड थेरेपी के लिए आए हो, मगर उसके लिए आए ही नहीं हो. आप किसके लिए आए हो, एक कंटेंटमेंट के लिए, है कि नहीं. एक ब्लिस, आपको कंटेंट चाहिए, मगर हमें लग रहा है कि अब इंफॉर्मेशन से कंटेंटमेंट आएगा, पर वैसे नहीं है. कंटेंटमेंट आता है सिर्फ खुद के साथ ही, खुद के आत्मा के दर्शन के साथ. और ये वेरी मच पॉसिबल है इवन इन दिस लाइफ. तो यही हम बोध मार्ग फाउंडेशन में कर रहे हैं, जो बोध का मार्ग है. बोध मीन्स एक प्रज्ञा का विकास. ये हमारा जो आत्मदर्शन है, आत्मबोध है, जो वेदांतिक टीचिंग्स है,
उस पे हम ये पूरा का पूरा हमने ये जो हम मेरे गुरुजी हैं उन्होंने ये पूरा टीचिंग्स हमने स्ट्रक्चर की है. मीन्स इन वेदांता देर आर नो रिचुअल्स. जैसे कि अभी हम थोड़ा रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लाइफस्टाइल या जो भी है, मगर अगर तब आप वो स्टेट में आ जाते हो तो वो स्टेट में देर आर नो रिचुअल्स, देर आर नो रूल्स. अगर वो रूल्स नो स्टेट ऑफ नो रूल्स में आने के लिए थोड़े रूल्स है कि नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन. वो स्टेट ऑफ नो माइंड में आने के लिए थोड़ा माइंड का भी तो इस्तेमाल है. तो इसलिए द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड नाद चिकित्सा. नाद चिकित्सा मतलब हम नाद से चिकित्सा कर रहे हैं. And sound therapy and music therapy is completely different. Even I have got the privilege to learn the raga chikitsa as well. So, आगे मैं जाके schedule भी करने वाला हूँ कि raga chikitsa and music therapy. That is completely different subject. और वो basically Ayurveda के साथ ही connected है, dosh के साथ connected है. मगर नाद चिकित्सा with the vibrations, with the actual frequency, not of the metrics. Okay, vibrations. तो वैसे और इंग्लिश को इसको साउंड थेरेपी क्या है. साउंड थेरेपी तो बहुत लिमिट है, मगर नाद योग है वो अंदर से अवेकन आने लगता है. जैसे आप आयुर्वेद करते हो और जैसे आपके जीवन में साउंड थेरेपी आता है और अब ये सेल्फ क्लेंजिंग रिचुअल्स आप करने लगते हो स्टेप बाय स्टेप, तो नाद योग आसान है. बिकॉज नाद योग मीन्स वॉट, इनर साउंड, द योगा ऑफ इनर साउंड. तो इनर साउंड कैसे आता है, जैसे आप सेंसिटिव हो चुके तो आपको आपके हार्ट का आवाज, आपके लंग्स का आवाज, आपके लिवर का आवाज, आपके किडनी का आवाज, आपके सेल्स का आवाज ये सुनाई देता है, आपके नर्वस सिस्टम का आवाज आपको सुनाई देता है कि नहीं. मिराकल्स फिर तो फिर आपको बाहर की आवाज की क्यों जरूरत. फिर अभी क्या हो चुका है, हम बाहर की आवाज पे निर्भर हो चुके हैं. बाहर के सीरियल्स की आवाज चाहिए, बाहर की इमोशंस की हमें आवाज चाहिए, बाहर मूवीज की आवाज चाहिए, बाहर फियर की आवाज चाहिए. तो वो रिप्लेसमेंट कर रहा है हमारे जीवन को, मगर जैसे अंदर से वो आने लगे तो ये बाहर के जो भी वाइब्रेशन है ये सब है वो कट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ओमिट हो जाता है, और फिर आप बस मजे में. फिर तो यही अवस्था है, और ये अवस्था बहुत आसान है. लोगों में खुद देख रहा हूँ लास्ट 2 ईयर्स में मैं जुड़ा हूँ गुरु जी के साथ, तो इतना आसानी से लोगों को मिल रहा है. बिकॉज हमारा माइंड है वो बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा है. बहुत सारे प्रोसेसेस को बहुत सिंपल है, आयुर्वेद बहुत सिंपल है, मगर हम बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं उसको. बिना मतलब का बहुत सारे उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स डाल दिए हैं, वो जरूरी ही नहीं है. जैसे आप गांव में जाओगे तो उनको आयुर्वेद तो पता नहीं है, मगर वो सब आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं. सब मतलब राइट फ्रॉम द वे दे कुक द फूड, द वे दे प्रे द फूड, द वे दे ईट, द वे दे एक्सक्रीट, इट्स ऑल आयुर्वेद. बट इफ यू आस्क कि आपको आयुर्वेद बताए, वो बोलेंगे मुझे नहीं पता ये क्या है. अरे ये तो डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, ये तो वैद्य ही. अरे आयुर्वेद है बहुत अच्छा है, मैं तो सिखा ही नहीं हूँ, ऐसे वो बोलेंगे. खुद देखा है मैंने, मगर उनके लाइफ स्टाइल आप देखोगे तो आप बोलिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइफ स्टाइल चाहिए. लाइफ स्टाइल में तो मजा है कि नहीं. तो आता है वाइब्रेशन से, तो वैसे है. सो अगेन अ रिकैप, हमें क्लेंजिंग चाहिए. क्लेंजिंग क्यों चाहिए, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए. और जैसे हम सेंसिटाइज या सेंसिटिविटी में आ जाते हैं तो नाद योग इज़ वेरी इजी टू कम. ऑल दी योगिक, ऑल दी योगाज आर वेरी इजी टू कम. और इसके लिए हमें मदद लगेगी आयुर्वेद की. आयुर्वेद में जो स्वस्थ है, स्वस्थ की जो डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन है, वो सबसे इम्पोर्टेंस को जहाँ दिया है कंटेंट माइंड को. तो हमारा माइंड कंटेंट होना चाहिए. और आगे जाके हमारे ऑफकोर्स वाइब्रेशंस, हमें माइंड से भी नो माइंड में आना है, मगर एक कंटेंटमेंट की तरफ. और जैसे हम कंटेंटमेंट की तरफ आते हैं तो हमारा जो लाइफ स्टाइल जो है दोष है, धातुज है, मल है और अग्नि है, वो इजीली बैलेंस्ड होती है. और बाकी जो आपके तत्व ज्ञान है वो इजीली आता है, हम वो अभी अनुभव भी करेंगे. सो ऐसे है. So that is the beauty of Ayurveda, where it has come to us, it has come in our culture, and we as the new generation, abhi main new generation ka hissa hu, to of course kuch hamare previous generations mein kuch samasya thi, magar abhi ye jo new generation hai uske paas achhi responsibility hai ki wo hamare ancient culture ko kaise modern way mein represent kar de. Kyunki aaj ke date mein kya ho raha hai, ancient bol rahe hain, magar wo modern ke
टाइम में वो मॉडर्न इतना ये कर रहे हैं ना वो, तो एंशियंट का एसेंस चले जा रहा है. तो ऐसे नहीं चाहिए, वो एंशियंट भी चाहिए और मॉडर्न भी चाहिए, तो इट शुड बी इन अ मिडल वे. तो एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि ये कैसे हम रिवाइटलाइज कर पाए, बिकॉज अभी हम ये रिवाइटलाइजेशन का टाइम है. अगर हमने ये कर लिया तो बहुत अच्छा है, और हम करेंगे कैसे, अनुभव करके. सो दैट इज व्हाट द मैसेज इज अबाउट द आयुर्वेदा, द नाद योगा, द नाद चिकित्सा एंड द साउंड थेरेपी. एंड वी एट बोधमार्ग एंड वेलनेस वाइब, एंड जो गुरु जी हैं मेरे रिवेश वदे, तो हम अक्रॉस द वर्ल्ड हम रिट्रीट्स ले रहे हैं, फ्री शिविर्स ले रहे हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, जहाँ पे हम जो एक्चुअली सिद्धा आयुर्वेद है वो कैसे लोगों में एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर दें, जो साउंड थेरेपी है और आगे जाके वेदांत का टीचिंग है और नेवल एक्टिवेशन, जहाँ पे जैसे आप नेवल में चले जाते हो तो ये सब आसान है फिर आपके लिए. सो वो तो हम ये लोगों को मदद कर रहे हैं कि लोगों के DNA मतलब हमारे संस्कारों से मुक्ति, हमारे नाभि में कनेक्शन और सिद्धा आयुर्वेदा, और आगे जाके जो भी हमारे एंशियंट फिलोसफीज है, उपनिषद है, सो और स्पेसिफिकली जो हमारी संतों की परंपरा है, बिकॉज हम जो आयुर्वेद का ज्ञान ही दृष्टि किन्होंने दिया है हमें, ये संतों ने दिया है, संतों ने और योगियों ने और ऋषि मुनियों ने, तो उनकी उनकी जो एक्चुअल टीचिंग्स है वो, बिकॉज दे आर दी स्पेक्स फॉर द गॉड. हम गॉड देख नहीं पाएंगे मगर उनको देखने का नजरिया हमें देते हैं ये सेंट्स, ये जो संत है. तो वो तो हमारी एक्चुअली मकसद है बोधमार्ग फाउंडेशन में कि ये जो संतों की परंपरा है, स्पेशली संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत रामदास स्वामी, अक्कलकोट महाराज, ये जो हमारे महाराष्ट्र के सेंट्स है, वो इन्होंने इतना काम कर लिया इस पर और लोगों को पता नहीं है. तो हमारा यही है मकसद कि ये जो भक्ति परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, ज्ञानोत्तर भक्ति, मतलब कैसे आपके जीवन में ज्ञान भी चाहिए और आपके जीवन में भक्ति भी चाहिए, तो ये थोड़े लेटर स्टेजेस है, मगर उसके पहले आपके जीवन में चाहिए क्लेंजिंग, संस्कारों से मुक्ति. तो उसमें हमें आयुर्वेद मदद करता है, नादयोग मदद करता है और साउंड थेरेपी. सो दैट इज व्हाट माय मैसेज इज, एंड इट्स जो भी आगे जाके वीडियो देखेंगे, अगर आपके जीवन में आपको आयुर्वेद यूटिलाइज करने आ रहा है, जस्ट डोंट सी इट एज अ ब्लाइंड फेथ और ब्लाइंड बिलीफ, बिकॉज दे वर्क एंड दे वर्क ब्यूटिफुली. और सिर्फ हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, जताया जा रहा है, जैसे कि आज के डेट में कोरोना वायरस है, तो वहाँ पे बताया कि आज के डेट में बहुत मीम आए उस पर, गौमूत्र आप करोगे तो मीम्स आए बहुत, तो वैसे नहीं है वो. ठीक है, यहाँ से हमारे साइड से भी वो गलती है, एकदम से सब सोल्यूशन डाल देते हैं, अफकोर्स सोल्यूशन है वो, मगर ऐसे भी नहीं करना चाहिए, तो वैल्यू नहीं रहती, तो फिर वो मीम में चले जाते हैं, तो जो नई यूथ है वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही इसके ब्यूटीफुल मैसेजेस को. तो वैसे है, तो इट्स जस्ट माय मैसेज कि इसको ब्लाइंड तरीके से मत लेना, इसको अनुभव करना एंड देन सी द ब्यूटी ऑफ इट.